What's up guys, welcome to a vlog for a change. And as you know, मेरे को vlogging करने आता नहीं, but this is not a vlog. That's the vlogger. So a vlog is just a video. Guys, मेरे से मिलने का एक बड़ा opportunity मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ. अगर find out करना है कैसे, तो watch the video till the end. तो guys, बात कुछ ऐसी है कि मुझे अब fans से मिलना है. But हमारा इतना बड़ा family है कि सबसे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट मैं और स्टैन आपके लिए एक इवेंट लेके आए कॉल स्टैन फैन क्वेस्ट, जिसके थ्रू हम मिल सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं. आप सोच रहे होंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ. आपको सिर्फ स्टैन इंस्टाग्राम को फॉलो करना है और स्टैन डाउनलोड करके उनके बैनर पे क्लिक करना है और आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और हम फिर मिलने का प्रबंध करेंगे. ऑल्सो गाइज, मैं सबसे बात करने के लिए आ रहा हूँ स्टैन में, इंडिया न्यू स्टैन क्लब्स. तो अगर आपके पास ऐप डाउनलोडेड है, अगर नहीं है तो कर लो, कर लिया ऑलरेडी तो स्टैन क्लब्स में मैं आ रहा हूँ बात करने, तो उसमें भी आप लोग आ जाना. बेसिकली बिकॉज क्रिसमस इज कमिंग अप, आई वांटेड टू सरप्राइज एंड गिफ्ट टू ऑफ माय वेरी क्लोजेस्ट ब्रदर्स इन दिस फैमिली. दे थिंक वी आर गोइंग शॉपिंग. एक पॉपअप शॉप खुला है यहाँ पे स्ट्रीट वेयर का एंड बोथ ऑफ देम बहुत पसंद है उनको स्ट्रीट वेयर. सो दे थिंक वी आर गोइंग शॉपिंग फॉर स्ट्रीट वेयर, बट वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू बाय फॉर देम एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द स्टोर. आई होप दो तीन ही सामान बचा है उनके पास, बट रिगार्डलेस वी आर गोइंग टू बाय एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द स्टोर इन देयर साइज फॉर देम एक्सेप्ट ज्वेलरी. ज्वेलरी भी है वहाँ पे. वापस मैं डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ, ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी के अलावा जो भी है वो हम मामा भाई और दूसरे का नाम क्या था, रिबेल के लिए लेने वाले. तो आई होप देयर सरप्राइज. तो दोस्तों, मैंने जैसे बताया था, वी आर गोइंग विद टू ऑफ आवर वेरी स्पेशल एंड क्लोज ब्रदर्स मामा एंड गोल्डी भाई. बिजी थे तो वो नहीं आ पाए, इसके लिए हम लोग रिबेल को लेके जा रहे हैं. तेरी मां की ठीक है भाई, मैं भैया मेरे को यहीं रेड लाइट पे उतार दो, मैं उतार ही दूं. तो इट्स अ पॉपअप स्टोर इन बांद्रा एंड आई थिंक मामा भाई एंड रिबेल आर द वंस हु एंजॉय गोइंग टू सच स्ट्रीट वेयर प्लेसेस. आप लोग देख रहे हो मामा का भी ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हो गया है इन द लास्ट कमिंग मंथ्स. क्या मैंने खुद अपना बदल दिया है? अबे भाई, ये खुद बदल दिया है भाई. ये मेरा व्लॉग में ऐसा ही होता है भाई, मैं जोकर के सिनेमैटिक चल सकते हैं, मेरा एंगल्स नहीं चल सकते. तो यार, रिबेल का भी ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हो गया, मोस्टली बिकॉज अभी ज़ारा में उसके साइजेस नहीं मिलते. स्ट्रीट वेयर कैसा ओवरसाइज होता है, तो जो वो कट्स और ये है वो दिखते नहीं है. तो मेरा भी वैसा ही है, मैं भी ऑब्वियसली लाता है ऐसी चीजें. मतलब वो सीन ऐसा है कि आज सिड भाई करवा रहे हैं शॉपिंग. Yeah, I'm really hyped up and excited. What's the budget? There is no budget. Person, no budget. MC BJ हो जाएगा. सिर्फ देखो कुछ कर दो. सामान नॉर्मल प्राइस. ज्वेलरी अलाउड नहीं है. ज्वेलरी अलाउड नहीं है. एक एक ब्रेसलेट 18,000 का है. मेरे को व्लॉग दो. भाई एक एक ज्वेलरी तो अलाउड होनी चाहिए ना मामा, क्या बोलते हो? मैं थोड़ा ज्वेलरी में गाय हूँ नहीं मैं. हाँ नहीं है मामा, खत्म हो गया. बस मेरा ले लिया उन्होंने. ज्वेलरी दिस ओनली. मेरे पास है 3-4 ब्रेसलेट्स, दे दूंगा मैं. तो मैंने कल उनको मैसेज किया कि भैया आपके स्टोर में कितना सामान है बता देना, तो मैं बजट प्रिपेयर करके आऊंगा. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब एक ऐसे यूनिट वाइज कितना है, मतलब एक डिजाइन, दो डिजाइन, तीन डिजाइन, ऐसा कितना है. उसने बोला अरे अपने पास 500 यूनिट है, आप लेके जाओ. बोला ब्रो भगवान नहीं आ रहा है शॉपिंग करने के लिए. नहीं, अगर फ्री में अगर मेरे को खरीदने मिल रहा है तो मैं भी थकवा बन सकता हूँ. 500 यूनिट तो नहीं लेंगे ना? ले सकता हूँ, मैं क्यों नहीं ले सकता. थकवा फ्री में थोड़ी शॉपिंग करता है, लेकिन 500 यूनिट मतलब कितना होगा? नहीं, वो बहुत सारा शॉपिंग करता है ना, तो मैं वो थकवा बन जाऊंगा. आप ये करते रहना. बट डिजाइन 10 ही है, एक ही टी शर्ट दो बार क्यों लोगे तुम? एक डिजाइन मतलब कितने डिजाइन है वहाँ? 10 से 15 लूंगा टी शर्ट. और मेरा फिर भाई 15 तुम ले लोगे तो भाई देख, वहाँ पे मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया सीडीसी में. भाई सुनो, ऐसा कुछ मैं बता दूं गाइस. ये टी शर्ट थी एक, एक ब्लू टी शर्ट थी. मुझे भी दोनों पसंद आ रही थी, इसे भी दोनों पसंद आ रही थी. इसमें इसका साइज नहीं था. ये मेरे को आ रही थी, सिड ने बस मना कर दिया. नहीं नहीं, इसमें इसका साइज नहीं था, तो इसने क्या कॉम्प्रोमाइज किया? मैंने ब्लू में कॉम्प्रोमाइज किया. आज मैं भी कॉम्प्रोमाइज करूंगा पक्का. ठीक है बस. और सिट तेरे को शॉपिंग करना अलाउड नहीं है क्या? मतलब देखते हैं, पैसे बचे. इज दैट इज डैडी टुडे विल बी पेइंग. डैडी दूर से देखेगा. क्या बोलते हैं, गाड़ी रोको तो बस से जाते हैं. क्यों? एवरेज भी नहीं निकल रहा है, पेट्रोल भी ज्यादा जा रहा है. बोल रहा है बस से जाएंगे. अबे ऐसा करेंगे ना, गाड़ी रोक के वहां ऑटो में उतरेंगे, ये कर लेते हैं ट्रांजिशन, स्मूथ ट्रांजिशन. हां ऑटो में से उतर के क्या होएगा? उतर के डिस्काउंट देंगे. मैं तो रोलेक्स पहन के जा रहा हूं. कौन सा उतरेंगे?
वैसे हम लोग पहुंच गए यहाँ पे और वहाँ पे पता नहीं कुछ तो चल रहा है फेस्ट। 30 साल हो गए मेरे को मुंबई में, बट आई हैव नो आइडिया कि यहाँ पे ऐसा कुछ सीन होता है। एंड यू नो दिस गाय, व्हाट्स अप फैमिली, ये जो अपना ये अभी तक मैं पहन के बैठा हूँ ये इन्होंने ही बनाया है, इन्होंने घुमा दिया है भाई, ये सब इनका भी है, इनका ही। हाँ, अरे इसका सीन नहीं पता तुमने, एयरपोर्ट पे रोक लिया था, साफ बना हुआ है भाई, अंदर जाने नहीं दिया। इतनी बड़ी भांड जो दिख रही है इसमें। Getting everything one inside. Nice, I like this order. We all like it. We try our best to give you whatever sizes. Few pieces are sold out in some sizes, but I think majority of this are. So you can sit and connect the dots. That's the whole idea of it. मुझे बचपन का कुछ याद आया, ये सुधू है जी, कुछ था ऐसा। वो सेक्सी तो लग रहा है रे। मेरे को पहले एक ये ले रहा हूँ, पिंक ले रहा हूँ, और मैं आपका अकाउंट बैलेंस ले रहा हूँ। मैं मेरे प्लान डिफरेंट है। देखो ये इसका एल आ गया, ये एक्सेल आएगा, जो भी है सब एक हो जाएगा, बात तो वही होगी। एक्सेल ओनली फिट यू इन द टी। आई हैव टू ट्राई, मैंने भी ट्राई नहीं किया। कम है क्या मेरे में? उस वाले में कोई साइज ही नहीं, मस्त लग रहा है। देखा ये बहुत सेक्सी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मैंने बोला ना। बार बार ही गाइस, ये हुडी अपन ले रहे हैं, भारी बदन होना भी एक अपने में फायदा है। इतना भारी बदन वाले लोग होते नहीं है तो आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाता है। ये डबल एक्सेल है और ये मेरे को इतना ऐसा लग नहीं रहा, वो एक्सेल था है ना। टी शर्ट पहने बताओ, चेन बहुत अच्छा लगा, वो चेन तेरे खर्चे पे, मैं वापस बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ कपड़ों की बात, पैसे बहुत सेक्सी है। हॉट पिंक लुक्स वेरी हॉट ऑन यू। इसके साथ मेरे को ये वाली चेन नहीं, एक चेन पसंद है, वो तो दिला सकते हैं ना। कौन सी सस्ती है? एक भी चेन नहीं है उधर। कौन सी चेन? वहाँ पे चेन नहीं है, पेंडेंट्स है वो। हाँ पेंडेंट्स, पेंडेंट डालेगा किसमें? चेन में, नॉर्मल। कौन सा पेंडेंट दिखा, कौन सा पेंडेंट पसंद है तेरे को? दिखा ये वाला। उसका नाम बता दे, मैं लेता हूँ। किसका 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 यार, इसने बताया ये पसंद आया, इसका नाम पता, मैं लेता हूँ। मैसेज कर रहा हूँ मैं यार, कुछ तो था, मेरे को नाम नहीं, कुछ तो है, नाम बता मैं लेता हूँ। कृतिका ने भी लिया है, नहीं नहीं समझेगा नहीं, इसको समझेगा नहीं फिर भी। हाँ उसने, हाँ लिप्स नहीं, मैंने जनरली, इसने सबसे पहले मेरे को ये चेन दिखाई थी जब ये आया था गोल्डी भाई के पास, जनरली बोल रहा हूँ। इसका वो घूमता भी है, क्या हुआ साइज नहीं है मेरा, ब्राउन कलर का उसने करना तो पड़ेगा अभी, क्या कर सकते। फिर ये भी मैंने ब्लू लिया था क्या? मैंने ब्लू ले लिया था क्या? नहीं लिया था ना, एक्सक्लूसिविटी में छोड़ा ना तेरे को, मैं भी तो एक नंबर का वो हूँ ना, मैंने बोल दिया। नहीं मुझे याद था कि तूने मेरे को एल फिटी नहीं हो सकता था, तेरे पास होना ही एक्सेल था। चल ठीक है, बहुत पसंद आई है। कोई बात नहीं बेटे, हम पसंद खेच लेते हैं, कोई बात नहीं, मेरे को मन होगा मैं इसे ले लूंगा। 12 seconds later. दिखा, पहले दिखा, नहीं, नहीं, दिखा रहा हूँ, पहले बाहर निकल, तो वॉशरूम में क्यों लड़ाई कर रहे हो?
दिखा उसको बुलाओ बेटा, फाड़ दूंगा मैं, पैसा दे के फाड़ दूंगा, बता रहा हूँ दे इस टी शर्ट का पैसा फाड़ के फाड़ दूंगा। रुको तो अबे नहीं कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ फिर? एक सेकंड एक सेकंड क्या कर रहा है? एक सेकंड एक बहुत वैलिड पूछता हूँ मैं, उनको बुलाना वाइट भैया क्या नाम है ये लड़ाई हो रही है ठीक है। मैंने जो ट्राई किया था मेरे पास एक और एक्सेल पीस है मुझे अभी अंदर दिखा ठीक है। अबे सुनो डील डील होता है यार, पहले मेरे को बोलने दो ठीक है। कॉम्प्रोमाइज की बात हुई क्योंकि एक पीस बचा था ठीक है, छीनने की कोशिश मत करो, सुन लो पहले। He gave it to you. हाँ, और इसने कॉम्प्रोमाइज के टाइम उसने ले लिया, खत्म हो गया, मेरा साइज नहीं था बट मेरे को लकीली मिल गया क्योंकि ये मैंने पहना था, ये मैंने बना रही बात भाई, इसमें कॉम्प्रोमाइज वहाँ सीडीसी पे वो पड़ी हुई थी, मैंने नहीं लिया था सो दैट इसके पास रहे, मेरे को बहुत अच्छी लगी है ये। हाँ ये रहा, तेरे को टी शर्ट ज्यादा अच्छा लगता है? मैं दोनों पहन लो यार, ये बहुत अच्छी लग रही है यार, तेरे को टी शर्ट ज्यादा पसंद है या मैं? फर्स्ट जो मैंने ट्राई किया है सिडनी ने बोला बहुत, चूज वन टी शर्ट या मैं? दोनों टी शर्ट यार ये अच्छी है ना, मैं भी अच्छा हूँ तो चूज कर ये कर दो। पूरा एक साइड मंगाया था, दूर हो जाए, मैं हो गया कॉम्प्रोमाइज वाला सीन, अब प्यार करते हो ना दूर हो जाओ कटो, अभी मैं अपनी पे आ जाऊंगा, दिल अभी हल्का हो गया था मेरा, पिघला था मेरा। इसमें क्या क्या लिया है आपको पता तो सभी को चेक करने दो भाई, तुम्हारा बिलिंग का है पता, उसका बिलिंग उधर है। मैं तो 5-6 लिया बस। ऑल इनका कितना हुआ? 17.5। वन हुडी वन टी-शर्ट वन टी-शर्ट वन मोर टी-शर्ट, टोटल कितना हुआ? कंटेंट जा रहा है क्या? कैलकुलेट हो रही है। हां यहां 3k बैड डॉग टी 3.5k मैंने लिया है, और ये भी मैंने लिया है, इससे ज्यादा ऑलरेडी 4.5k टेंपल टी 3750 नंबर स्वेटशर्ट 4k ये हटा दो, ये नीचे नहीं ब्रो लड़ाई हो गई इसकी, ब्रो ने बोला प्यार से डालने के लिए अंदर, नहीं 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 इन्होंने बोला प्यार से, इन्होंने बोला डाल दो, मस्ती कर रहे थे आपके साथ। हाय W 3.5k बोल दो, अर्थात इस दुनिया में हल्का दिल रखने वालों की कोई जगह नहीं है, देखो आराम जाने को सारी कॉपी मारी है उसने। वैसे स्टोर में यही है, और अगर आपको चाहिए मैं स्पेशली हटा सकता हूं, दो पीस था आई आपके पास है, ले ले इतनी चीटिंग कर ली, तो इतनी चीटिंग कर ले, बाद ये बिकने नहीं वाले, सिर्फ आराम से ये तुम्हारे पास है? हां नहीं इतना बड़ा बदन नहीं है मेरे पास, मुझ पे आ जाइए, अच्छा लग रहा है। क्या प्राइस है इसका? 20 हां ये भाई इसको दूर रख लो, हर चीज को मेरे, ये भी एक ही है, ये भी एक ही है, नहीं दिखने आपके देखने के लिए नहीं, हमने मना कर दिया ना, अरे अभी तक नहीं प्रोवाइज में मेरा जीरो ही चल रहा है, तेरा जीरो ये कृतिका के पास है वैसे। अरे तो कृतिका मैं कौन सा, हम वो तो रेयर, तेरे को ये अच्छा लगा तो ये लेना क्योंकि ये फिर नहीं है अपने पास स्क्वाड में, ये नहीं है वैसे। हां और फिर मैं भी पहन सकती हूं। गाइस अभी हमारा व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है, बिकॉज़ मैं कहीं और जा रहा हूं, आई हैव अ फैमिली फंक्शन टू अटेंड, और मांबा और रिबेल निकल चुका है, फॉरगॉट टू रिकॉर्ड द एंडिंग बिफोर वी सेपरेटेड, बट या फील्स गुड टू स्पेंड money on people that have been with me for the last 1.5 years. Aisa nahi hai ki wo dono hi the, everybody in SADL has helped me a lot, but these two have been a constant source of support in my journey. To finally unke upar kharcha karke for Christmas mere ko bahut acha laga,
एंड या 2022 वाज इनसेन. 2023 में हम तीनों का ही प्लान है ऑब्वियसली टू वी हैव सम गोल्स जो मैं कभी स्ट्रीम पे आपको बताऊंगा. वी हैव सम गोल्स एक विश लिस्ट बना के रखी है जो वी वुड लाइक टू अचीव एंड आई नो आप लोग के साथ ही होगा वो पॉसिबल. ई स्पोर्ट्स अवार्ड जीत चुके हैं, अगले साल वाला भी जीतना है एंड काफ़ी कुछ नया लेना है अगले साल. तो आई होप यू एन्जॉयड और लाइक द ब्लॉग. इफ़ यू डिडंट लाइक इट आई डोंट गिव अ शिट. थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट टाइम. गाइस जल्दी से स्टैंड फैन क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अभी तक अगर स्टैंड डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लो. ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है हम सब से मिलने की, स्टैंड के क्रिएटर्स से मिलने की. फ्री टू एंट्री है बट लिमिटेड है, लिमिटेड लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड करो एंड ट्राई योर लक.